Hello. Now what I am going to do, I am going to just make sentences. Just make sentences with few English words so that you understand how to make sentences, right? So I am going to rub that out. No adjective, nothing, any English word. Any English word, right? I am writing a word eminent. Eminent is equal to very famous. Very famous. He is an eminent man. He is an eminent man. Full stop. He is an eminent man. यानी कि ये आदमी हमारे समाज में एक विशेष आदमी है, नामी ग्रामी आदमी है, eminent. EMINENT, eminent man, right? Number one. 5 sentences फिर बना के आपको देंगे ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का हैबिट बनता रहे. All the students all over the world, my request will be to take the words and use it in the sentences. So you will know how to make the sentences. The words are there from the vocabulary, which is a word bank. You can take out the words and make sentences. So bangla to bole di ektu khani jeta amader words ta diye sentence banate hobe, right? Hindi mein kya hoga ki jo bhi mere paas words hain vocabulary mein, उसमें से सारे तो पॉसिबल नहीं है, हज़ारों हज़ारों वर्ड हैं, लेकिन जो आम दिन के लिए जो भी इंग्लिश वर्ड लगते हैं, जितने आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उससे सेंटेंस बनाना है, तब वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. कोई वर्ड आपके पास है और सेंटेंस ना बना पाते हैं तो बहुत ही दुख की बात है. तो आपके पास कोई वर्ड है उसको आप सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि एमिनेंट. राम इज एन एमिनेंट, क्योंकि ये वावल है. Ram is an eminent person, eminent man, eminent professor, eminent journalist, and a philanthropist. कुछ भी आप दे सकते हैं, right? Philanthropist मतलब जो गरीबों के लिए काम करता है, भूखे को खाना खिलाता है, तो वो सारी तमाम चीज़ आप लिख सकते हैं उसमें, right? Palatable. स्वादिष्ट. दिस डिश इज वेरी पैलेटेबल. दिस डिश इज वेरी पैलेटेबल. पैलेटेबल, पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट, राइट? द डिश मतलब जो आपके सामने जो प्लेट दिया हुआ है. डिश का मतलब भी प्लेट भी होता है, और यहाँ डिश मतलब खाने का जो दिया जा रहा है. सो द डिश इज़ वेरी पैलेटेबल, मतलब जो भी खाना आपको पसेरा गया है वो काफ़ी स्वादिष्ट है. पैलेटेबल, राइट? तो पैलेटेबल, तो ये पैलेटेबल ब्यूटीफुल की तरह होगा, मोर पैलेटेबल एंड मोस्ट पैलेटेबल. एक साथ आप काम करें, दो दो चीज़ सीखते जाए तो आपको समय बचेगा उसमें. आप इसके लिए अलग सीखेंगे, उसके लिए अलग सीखेंगे, दो बार दो बाइंड रहेगा तो आप कम सीखेंगे, लेकिन मेरे तरीके से आप सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, फास्ट क्विक, राइट? सो दिस डिश इज़ वेरी पैलेटेबल का मतलब हो गया, ये जो प्लेट दिया गया है उसमें जो भी खाना है ये ज़्यादा स्वादिष्ट है. और वेरी पैलेटेबल मतलब बहुत ज़्यादा पैलेटेबल है, मतलब स्वादिष्ट है. और इससे अगर हम सेंटेंस बनाने जाएँ, दैट प्लेट इज़ मोर पैलेटेबल एंड दैट प्लेट इज़ मोस्ट पैलेटेबल, तो उसको कंपेयर करना अपने मर्जी पे है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उसको कंपेयर करें. मोर पैलेटेबल, मोस्ट पैलेटेबल. नंबर वन हो जाएगा पैलेटेबल, नंबर टू होगा मोर पैलेटेबल, नंबर थ्री हो जाएगा मोस्ट पैलेटेबल. सिंपल. गुड, बेटर, बेस्ट. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल.
पैलेटेबल, मोर पैलेटेबल, मोस्ट पैलेटेबल, कनिंग, तो मोर कनिंग, मोस्ट कनिंग, क्या है? वेरी वेरी ईजी, बहुत बहुत ईजी है, राइट? अभी हम इसको पोज देते हैं, कुछ और वर्ड देते हैं, दो वर्ड दे के हम इसको वीडियो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, एवरी डे प्रैक्टिस रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट? एमिनेंट, वेरी फेमस, पैलेटेबल का मतलब है या स्वादिष्ट, 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 ठीक है? तो देख लीजिए, पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट, मैं इसको मिटा देता हूँ, सेंटेंस भी बना दिया हूँ, दिस डिश इज़ मोर वेरी पैलेटेबल, अगर हम इस कंपैरेटिव फॉर्म में जाएंगे तो मोर पैलेटेबल, तो उसमें द डिश इज़ मोर पैलेटेबल, दैट डिश इज मोस्ट पैलेटेबल, बड़ा ईजी है, सिंपल, ज़्यादा सा बुद्धि से काम कीजिए, आपको एकदम, आप जैसे नाउन का मास्टर बन गए हैं उसी तरह आप एडजेक्टिव का भी मास्टर बन जाए, लेकिन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको वर्ब का ये करना बड़ा ज़रूरी है, वर्ब और साथ में टेंस, वर्ब हम बताए थे द डूइंग वर्ड, और टेंस बताए थे द वर्क, द टाइम ऑफ द वर्क डन, जो समय पे काम हो रहा है, जो काम, जो मतलब ये एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज क्रिया किस समय हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेंस। लेकिन मैं इसमें फिर दूसरा, दो सेंटेंस बनाए हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड का, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है लेकिन मोटा मोटी हम समझा देते हैं, इज इक्वल टू या जो भी है, बहुत ज़्यादा, टुडे इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, COLD, यानी कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, हॉट लिखे चाहे कोल्ड लिखे, बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडक या ठंडी, तो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, लिख दिए बहुत ज़्यादा। तो आप वर्ड को लेंगे, मायने को समझेंगे और तीन फॉर्म में बनाएंगे सेंटेंस, हाँ तो एकदम, तो हम कहते हैं विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं संभव है, मैं आपको इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि कम से कम आपको करने का शुरुआत तो करें आपके साथ, आप मेरे साथ तो चलें दो कदम, चल के देखें सर क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करें बस, और करना क्या है, सिंपल। कभी रास्ता बंद है तो मैं आपको रास्ता को मैं शो करूँगा, आपको दिखाऊँगा एज ए गाइड, मैं आपको गाइड बन के आपको मैं रास्ता गाइड करूँगा, ठीक है? मेरा एक काम है। तो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, टुडे इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, या टुडे इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, जो लिखना है लिखे, जैसा हो, जिस दिन हॉट रहेगा तो मत बोलिए कि कोल्ड है, अगर मान लीजिए बहुत हॉट है, अब किसी को बोलिए टुडे इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, तो लोग बोले कैसा लड़का है, ये कोल्ड है तो कोल्ड बोलिए और हॉट है तो हॉट बोलिए, ठीक है? आई एम मीटर अप दैट आउट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको स्ट्रेंथ से भी सेंटेंस बनाना है, ताकत, ताकत, स्ट्रेंथ, राइट? स्ट्रांग होगा, ताकतवर, लेकिन स्ट्रेंथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ताकत, केवल रट जाइए ना, रट के ही आधा काम आपको हो जाएगा, अब थोड़ा दिमाग लाइए तो और आधा काम होगा, थोड़ा और मेहनत कीजिएगा 100% हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ विश्वास है, आत्मविश्वास होना चाहिए, जो मैं कर लूँगा, बहुत ईजी है। वीकनेस, कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रह रहे कि आपके साथ क्लास करूँगा, आपको एकदम, जब तक नहीं एकदम 100% आप श्योर हो जाते हैं, मेरा वीडियो चलता रहेगा, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ आप एक बार ना ध्यान दें, दो बार ना ध्यान दें, तीन बार, चार बार, पाँच बार करते करते आपको हो ही जाएगा। आई नो इट, रिपीटेशन करते करते आदमी एकदम दुरुस्त हो जाता है, एकदम याद पड़ जाता है एकदम उसको। मैं एक बात आपको बता दूँ, क्लास में हम कभी कभी थोड़ा बचपन में थोड़ा जो बच्चे लोग का होता है याद नहीं करते थे, हमको दे दिया गया कि फलाना कल याद करके आओ, क्लास में आगे हो तो पोइट्री याद करना था, फलाना चीज़ याद करना था, तो मैं चालाकी करके पीछे वाला लो में बैठ जाता था। क्यों? ये लड़के लोग बोलेंगे ना हमको, जब तक मेरे टाइम आता है हमारा हड़हड़ा के बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं था। तो सीखने का बहुत तरीका है, मैंने घर पे याद नहीं किया, सुबह स्कूल पहुंच गया और स्कूल में जब सुनने को माय गॉड आज तो पूछा आ जाएगा, तो
अरे हमको तो पता नहीं है, याद भी नहीं है और पढ़े भी नहीं है। तो हम पीछे वाले रूम में बैठ जाते थे और धीरे धीरे लड़का लोग बोलता था तो बस याद आ जाता था। जब मेरी बार याद ही थी हम हड़ा के बोल देते थे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज़ योर इंटेलिजेंस सो एज टू हाउ टू कवर अप ऑल दीज थिंग्स राइट, योर वीकनेस। अभी हम बताते स्ट्रेंथ। शो मी योर स्ट्रेंथ। जी STRENGTH स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ राइट प्रोनाउंसिएशन का स्ट्रेंथ राइट नॉट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। तो शो मी योर, आप अपना ताकत दिखाए हमको। ही इज अ स्ट्रांग मैन, नहीं स्ट्रांग मैन में वो ताकतवर आदमी है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि शो मी योर स्ट्रेंथ, तू अपना ताकत दिखाओ राइट, शो मी योर स्ट्रेंथ। और एक वर्ड हम बताते हैं वीकनेस करके वीडियो बंद राइट। वीकनेस, व्हाट्स योर वीकनेस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये प्रश्न है। व्हाट्स योर वीकनेस मतलब व्हाट इज योर, व्हाट्स मतलब व्हाट इज राइट, व्हाट्स योर एपोस्ट्रोफी इज मतलब व्हाट्स योर वीकनेस, तुम्हारी कमजोरी क्या है। तुम्हारी कमजोरी शायद इंग्लिश बोलने का है, तुम्हारी कमजोरी इंग्लिश नहीं समझने का है, तुम्हारी कमजोरी है कि तुम ज़्यादा इतने तक काम नहीं कर सकते हो। तो कुछ तो भाई आपको करना पड़ेगा। ये वीकनेस को आपके पास अगर वीकनेस वाकई है, उस वीकनेस के ऊपर आपको पार पाना है। वीकनेस को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दीजिए एंड आप अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, ताकत दिखाइए कि सर मैं भी कर सकता हूँ। और आप करके देखें, मज़ा आ जाएगा। और कल के लिए और परसों के लिए वेट ना करेंगे। ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक दिन वेरी इंपॉर्टेंट। यंग हालत में अपने आप को तैयार कर लेंगे, बाकी ज़िंदगी ऐश कीजिएगा। अभी खेल कूद में बिजी रहिएगा, ज़िंदगी में बोझा, ज़िंदगी बोझा बन जाएगी। तो जितने भी बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी हैं, हिंदी भाषी खास करके या बंगला भाषी या द पीपल दोज हु आर यू नो टॉक नॉर्मली इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू मस्ट सेव योर टाइम। टाइम इज़ इम्पॉसिबल, इट डजेंट कम बैक अगेन। Time gone is gone forever. You will have money, you will be dressed, and you will be everything. It can come back again and again. But time gone is doesn't come back at all. So, easily do whatever you want to do within the time. Every time you save and do it, you will be one step better, one step better. And when you are like a man of 24, 25, you are an absolutely fantastic person. You can get a good job, you can get good money and good wealth and everything. So, this is what I have to say. Now I'm going to stop it and probably wait for the next video. Thank you very much to all of you, right?